हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मूवीकर सॉल्यूशंस बाय इंफोसिस हैदराबाद टीम। जैसे कि फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक रेडमी 12C हैंडसेट है और इसमें प्रॉब्लम यह है, लाइट नहीं आ रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप समझेंगे उसको तो छोटा है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम आपके लिए काफी बड़ी है। एक महीने से किसी टेक्नीशियन के पास हैंडसेट रखा हुआ है और काफी जगह मार्केट में जा चुका है। तो प्रॉब्लम क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए खरीद। इसमें जो नॉर्मल चार्जर लगाते हैं, देख सकते हैं डिस्प्ले कनेक्टर, मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी आपको। ये चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं MI का अभी लोगो आएगा, दिख रहा होगा आपको MI लोगो, यहाँ पर देख सकते हैं MI का लोगो आ रहा है, बट यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। इसमें ग्राफिक तो आ रहा है बट लाइट नहीं आ रही है। और इसका कनेक्टर भी पूरी तरह से साफ कनेक्टर है, यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको। तो PCB को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, देख सकते हैं कनेक्टर, ये इसका सिंगल कनेक्टर आता है इसमें, DM DP VBUS VBAT सारा कुछ इसी में होता है। और ये सॉरी VBAT हमारी इस बैटरी कनेक्टर में आता है। तो अब जो मेन कनेक्टर है हमारा, ये वाला मेन कनेक्टर है, तो जैसा कि देख सकते हैं कनेक्टर पूरा साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें कूल टेस्टिंग करेंगे और कूल टेस्टिंग के लिए यहाँ पे हमने बिटमैप ओपन किया है और दूसरा यहाँ पे हार्डवेयर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन कर लेते हैं। और ये इसका चार्जिंग AC है साउथ चिप, और यहाँ पे इसका MediaTek CPU है, और जो लाइट IC है यहाँ पे 6 लेग का लाइट IC यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो कनेक्टर में हमको चेक क्या करना है फ्रेंड्स, एक नंबर पिन और 3 और 4 में GR वैल्यू चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम कैमरा भी ले लेते हैं और बॉर्नियो को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से अभी हम मैच करेंगे सेम टू सेम। तो चलिए कूल टेस्टिंग करते हैं एक नंबर, और कूल टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखेंगे और बीप रेंज में रखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पिन चेक करेंगे, तो रेड ग्राउंड करेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 550 के आसपास GR आ रहा है, यानी ये हमारी एनोड लाइन सही है। 2 नंबर NC है, 3 नंबर कैथोड 1 और 4 नंबर कैथोड 2। इसमें आपको ग्राउंड मिलेगा क्योंकि इसमें 6 लेग का लाइट IC होता है। तो यहाँ पे 6 लेग के लाइट IC के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको 5 से 10 ओम्स का एक रजिस्टर मिलता है, जो कि एक नंबर पिन के साथ हमेशा जुड़ा होता है। और इसको अगर आप हटा दोगे तो यहाँ पर कैथोड पिन जो होती है हमारी 1 के साथ कनेक्ट होती है, और यहाँ पे आपको GR मिल जाएगा। यहाँ पे कभी भी GR नहीं आना है, इस वाले एनालॉग IC में यहाँ पे आपको बीप के साथ 4 या 5 ओम्स मिलते हैं। तो ये लाइन हमारी सही है, PWM लाइन इसमें नहीं होती है। PWM लाइन इसकी जो आती है CPU से आती है, चलिए मैं ये बता देता हूँ आपको। CPU से लाइट IC को कनेक्ट होती है PWM लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर पिन हमेशा इसकी PWM होती है, और बीच में आपको यहाँ पर डिस्प्ले PWM पल्स विद मॉड्यूल या CABC के नाम से इसको कहा जाता है। और ये लाइन जो आती है आपकी ऑलवेज CPU से आती है, यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले PWM। तो यहाँ से हम अभी इसका GR चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम कूल टेस्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सीरीज में रजिस्टर है और 5 नंबर पिन पे आपको GR चेक करना है। ये GR या फिर IC का भी हो सकता है या CPU का भी हो सकता है। अगर आप रजिस्टर हटाएंगे तो इस तरफ CPU का GR मिलेगा और इस साइड IC का GR। तो अभी हम कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे PWM लाइन हमको जो मिलने वाली है इसकी, हमारे लाइट IC के पास, नीचे देख सकते हैं सेम रजिस्टर, यहाँ पे लगा है ये वाला रजिस्टर और यहाँ पे लगा है ये वाला रजिस्टर। तो रजिस्टर पे कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 500 के आसपास GR मिल रहा है, मतलब ये ट्रैक भी हमारा सही है। और यहाँ पे 5 नंबर पिन के साथ भी देख लेंगे, सेम यही वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। और एक बार कॉइल भी चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं कॉइल हमारा ओके है, और कॉइल का एक सिरा डायोड के साथ कनेक्ट होता है, और डायोड का जो कैथोड सिरा है ये हमारा यहाँ पे एनोड लाइन 1 नंबर के साथ कनेक्ट होता है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं ट्रैक तो हमारा सही है, मतलब ये हमारा लोड कैप 500 के आसपास GR आ रहा है, इस पे भी 500 के आसपास। ये स्विचिंग लाइन जो कि कॉइल के साथ कनेक्ट होती है और यहाँ पर IC के 4 नंबर पिन के साथ कनेक्ट होती है, तो ये लाइन भी हमारी सही है। और 4 नंबर पिन ऊपर 6 नंबर के साथ कॉइल के थ्रू कनेक्ट होती है, तो कॉइल में भी देख सकते हैं आप बीप आ रही है।
ये जो लाइन है हमारी, ये स्विचिंग लाइन है। यहाँ पे एक बार बता देता हूँ मैं आपको, आईसी का 4 नंबर पिन और डायोड के साथ ये बीप आ रही है, मतलब स्विचिंग लाइन हमारी सही है। अब एक नंबर जो वी इन होती है हमारी 4 वोल्ट की लाइन, देख सकते हैं कॉइल के साथ बीप आ रही है, मतलब लाइन हमारी सही है। तो ये लाइन एक नंबर 6 नंबर के साथ जानी चाहिए। तो 4 और 6 में आपको हमेशा बीप आनी चाहिए जब कॉइल लगा होगा, तो ये लाइन हमारी सही है। और ये जो डायोड का कैथोड सिरा है इस लोड कैप के साथ कनेक्ट होता है, देख सकते हैं लोड कैप के साथ, और यही लोड कैप हमारा एक नंबर पिन के साथ कनेक्ट होता है। तो ये भी ट्रैक हमारी सही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जी आर मिल रहा है आपको 550-60 के आसपास, वही जी आर यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कूल टेस्टिंग में तो हमको कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं मिला। अब हॉट टेस्टिंग में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 4 वोल्ट मिलेगा जब हमारा मोबाइल में हम बैटरी लगाएंगे, और जब ऑन करेंगे तो यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज मिलने चाहिए, और पीडब्ल्यूएम पे हमको यहाँ पर 1.8 का वोल्टेज मिलना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम अभी डिस्प्ले लगा लेते हैं और डिस्प्ले लगा करके चेक करेंगे। तो डिस्प्ले मैंने लगा लिया है और बैटरी भी लगा ली है, तो मल्टीमीटर को अभी हम रखेंगे DC20 में। सबसे पहले हमारा वी इन 4 वोल्ट चेक कर लेते हैं। तो 4 वोल्ट जो हमको मिलता है कॉयल पर 6 और 4 के बीच में 4 वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं 6 नंबर पिन मतलब कॉयल के इस साइड में 4 वोल्ट मिल रहा है, और इस साइड भी चेक करेंगे तो 4 वोल्ट मिलेगा। डायोड के कैथोड सिरे पे चेक कर लेते हैं, देख सकते हैं 4 वोल्ट, और LCD के जो हमारा लोड कैप है यहाँ भी 4 वोल्ट। यहाँ पे आपको अभी कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा क्योंकि मोबाइल ऑन होने पर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज आते हैं। तो चलिए मोबाइल को ऑन कर लेते हैं, देख सकते हैं MI का लोगो आ चुका है, मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है। अभी आपको यहाँ पर हाइपर ऐसा लिखकर भी आएगा। तो मोबाइल ऑन होने पर PWM पे हमको 1.8 CPU से आना चाहिए, ये MediaTek CPU है, इसमें एक्सटर्नल पुल अप नहीं होता है, डायरेक्ट CPU से ये वोल्टेज आता है। क्वालकॉम होगा तो आपको पावर AC या फिर लाइट AC या फिर डिस्प्ले से PWM का हमको वोल्टेज आता है। यहाँ पर ये CPU हमारा MTK CPU है, तो यहाँ पर MI का लोगो है जैसा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ऑन होने में। तो अब जितनी देर ये ऑन होता है तब तक हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर हमारा PWM का वोल्टेज। तो रजिस्टर यहाँ पे है सीरीज में, तो यहाँ पे हमको वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब हमको करना क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो अब हम तो PWM में अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो हम उसको बाईपास कर सकते हैं, और हमको ऐसा वोल्टेज लेना है जो कि जब डिस्प्ले ग्राफिक लाइट आता है तभी वोल्टेज आना चाहिए, ग्राफिक के साथ आना चाहिए, और जैसे मोबाइल स्लीप मोड में चाहिए वोल्टेज चले जाना चाहिए, ऐसा एक वोल्टेज आपको लेना है जिसको हम एक्टिव वोल्टेज या फिर सिग्नल वोल्टेज कहते हैं, जो कि आपका सेक्शन एक्टिवेट होने पर आता है। ऑलवेज ऑन वाला वोल्टेज नहीं चाहिए, अगर ऑलवेज ऑन रहेगा तो आपका LCD स्लीप मोड में जाने के बाद भी ये LCD ब्लू रहेगा, आपका दिखता रहेगा, लाइट जलती रहेगी, ऐसे में आपका बैटरी खपत होगी और बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं एक 1.8 का वोल्टेज अभी चेक करता हूँ नियर बाई, ये लाइट AC के नियर बाई। अभी हम क्या करेंगे, कोई 1.8 का वोल्टेज चेक करेंगे, वहां से जम्पर करेंगे। तो यहाँ पे एक सीरीज में कॉइल है जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई यहाँ पे देख सकते हैं नीचे कैपेसिटर के 1.8 वोल्टेज, और इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज। यहाँ से हम एक जम्पर, यहाँ पे अगर इस वाले कैप से एक जम्पर ले करके हम यहाँ पे दे सकते हैं तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से एक जम्पर लेंगे, देखिए 1.8 वोल्टेज आ रहा है यहाँ पर, और अभी यहाँ पर हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे जब तक मोबाइल ऑन होगा तब तक वोल्टेज आएगा, उसके बाद ये वोल्टेज चला जाएगा। तो आप यहाँ से भी लेके दे सकते हैं, या फिर चलिए यहीं से ले लेते हैं एक वोल्टेज 1.8 का, और इसको बाईपास करते हैं PWM के साथ। तो यहाँ पे बैटरी आपको निकालना है और एक जम्पर वायर थोड़ा सा ले लेते हैं। थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पे लगाएंगे और एक जम्पर हम यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे देंगे।
तो यहाँ पे एक जम्पर हमारा लग चुका है, और दूसरा जो जम्पर हम लगाएंगे आईसी के ऊपर से ले लेते हैं, यहाँ पे जो कैप है फिलहाल यहाँ से आपको एक जम्पर लगाकर मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि आप कहीं और से भी जम्पर लगा सकते हैं। फिलहाल आपका लाइट तो यहाँ पे आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो PWM लाइन में यहाँ पर वोल्टेज मिसिंग रहने के वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जम्पर हमने लगा लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी है। अब सेट को ऑन करता हूँ मैं, कूल टेस्टिंग कर लेंगे एक बार। एक बार चार्जर लगा के बताता हूँ मैं आपको, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लाइट आ चुका है। बस हमने सिर्फ यहाँ पर एक जम्पर किया है जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर 12C का आपके पास हैंडसेट आता है तो बस 1.8 का जम्पर यहाँ से यहाँ पे दे दीजिए, और आपका ये देख सकते हैं 4% बता रहा है। एक बार मोबाइल को ऑन भी कर लेते हैं, देख सकते हैं मोबाइल आपका ऑन होते हुए। तो हमारा जो लाइट का प्रॉब्लम था ये यहाँ पर सॉल्व हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, और सिर्फ हमने यहाँ पे एक जम्पर दिया है इस वाले कैप से। अगर आप ऑनलाइन मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं फॉल्ट फाइंडिंग, सर्किट डायग्राम और डेड शॉर्टिंग नेटवर्क 4G 5G, 15 अक्टूबर से हमारा ऑनलाइन क्लास है जिसमें हम सारा चीज़ यही सिखाते हैं। शॉमी हाइपर वगैरह सभी आ चुका है, और वह 6 मंथ के लिए वीडियो कोर्स एप्लीकेशन के थ्रू आपको मिलेगा प्ले स्टोर, और 10 दिन लाइव क्लासेस रहेंगी, एडवांस क्लासेस जो कि लाइव रहेगी जूम मीटिंग के थ्रू। ओनली 15,000 चार्ज है। अगर आप चाहें तो 15 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रॉब्लम जो कि सॉल्व हो चुका है, जो कि हमने इसमें PWM के जो वोल्टेजेस है उसको बाईपास किया है। डिस्प्ले पे ये नंबर दिया गया है, अगर आप चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए इसी तरह से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।